हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन की 86। और एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही बुरी न्यूज़ निकल कर आ रही है बिहार एसएससी इंटरमीडिएट लेवल के एग्ज़ाम को लेकर। जी हां, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है यहां पे, चाहे वो 2014 का हुआ एग्ज़ाम हो इसका, चाहे 2015 में इसके एग्ज़ाम को कैंसिल करना हो, या फिर 2016 में एक नई टीम यानी कि नए आयोग को स्थगित करके इसके एग्ज़ाम को फिर से लेने की बात की गई थी, या फिर से 2017 में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए डेट अनाउंस किया गया था, पर कोई भी सफल नहीं हो पाया है। और अब जाकर 2018 में जब जुलाई में इसके एग्ज़ाम होने थे तो इस एग्ज़ाम को भी कैंसिल किया गया है। जी हां, हम जानेंगे इस पूरे के पूरे सिनेरियो को और कब होगा एग्ज़ाम, ये भी आपको बताएंगे इस पूरे वीडियो में, बने रहिएगा। जो भी बच्चे एसएससी इंटरमीडिएट लेवल का एग्ज़ाम फॉर्म भरे थे 2014 में, वो प्लीज़ इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों तक शेयर करें जो भी इसका एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म भरे थे। ठीक है, तो हम आपको ले चलते हैं सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल के पेज पर, ताकि आप हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, इस चैनल को यहां पर जाकर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और इस सब्सक्राइब करते ही इसके साथ एक बेल का ऑप्शन आ जाएगा, उस बेल के ऑप्शन को भी दबा लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन और पल पल की खबर आपको हम दे सकें अपने इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। जी हाँ, जो कि इससे पहले आपको दी गई थी एक संतावना बिहार सरकार द्वारा कि बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो सकता है जुलाई 2018 में। देखिए, ये रहा वो आयोग का एक पीडीएफ जो कि मैंने डाउनलोड करके रखा था कि इसका एग्ज़ाम होने वाला है तो कैसे होगा। यहाँ पे अगर आप पढ़ पा रहे होंगे इस पूरे पीडीएफ को, तो इसको पढ़िएगा, वरना इसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि जुलाई 2018 में संभावित एग्ज़ाम होने की संभावनाएं हैं, और ये प्रकाशित किया गया है 7/5/2018 को, यानी कि मई में इसे प्रकाशित किया गया था इस ज्ञापन को, और एग्ज़ाम बताया गया था कि जुलाई 2018 में इसकी संभावित परीक्षा हो सकती है। उसके बाद भी इसको कैंसिल किया गया, और इसे लेकर आया गया कब, तो सितंबर 2018 में होने की पूरी संभावनाएं बताई गई कि अब ये एग्ज़ाम होगा, और अब सितंबर आ चुका है तो इसमें भी कोई डेट अभी तक अनाउंस नहीं किया है। और मैं आपको ले चलूँगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ बताऊँगा कि अब क्या डेट अनाउंस किया गया है। तो उससे पहले ये बिहार सरकार की जो नाकामी है, ये कब तक होगी एग्ज़ाम, कितने 18 लाख, जी हाँ 18 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इस फॉर्म को फिलअप किया है उन्होंने। जी हाँ, टोटल 18 लाख कैंडिडेट। अब उनका फ्यूचर कहाँ जा रहा है ये सरकार को नहीं दिख रहा है, उनके एग्ज़ाम और कौन से बचे हुए हैं कि वो उस एज के जो कैंडिडेट हैं जिनका एज जा चुका है इस 4 साल के अंदर, तो वो अब कौन सा फॉर्म भरेंगे। ठीक है, और यही हाल हो रहा है बीपीएससी के थ्रू हुए एग्ज़ाम दरोगा के बहाली में, और आज ये हाल है एसएससी इंटरमीडिएट लेवल के एग्ज़ाम का भी। तो इसका जिम्मेवार कौन होगा, इन सारे कैंडिडेट्स जो 18 लाख फॉर्म भरे हैं अभी तक के, इस सब के जिम्मेदार, इनकी लाइफ के, इनके करियर के जिम्मेदार कौन होंगे, ये सरकार जवाब दें ज़रूर से ज़रूर। इस वीडियो को अगर जितना शेयर करना है कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और अब आपको लेकर चलता हूं मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, हम आ चुके हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहां पे आपको बताया गया है इसके डेट्स के बारे में। देखिए, ये एडवर्टाइजमेंट का आपको यहाँ पर अगर लिंक दिख रहा होगा तो इस बोर्ड पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, इस लिंक को व्यू लिस्ट आएगा, यहाँ पर व्यू लिस्ट पे क्लिक करते ही एक पेज खुलेगा जिस पे सारे एग्ज़ाम्स के पब्लिश होने के डेट बताए गए हैं। तो जैसा कि आप अगर यहाँ पे देख रहे होंगे, सेकंड लाइन जो है व्यू 06060114 जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था 2014 के एसएससी लेवल इंटरमीडिएट लेवल के एग्ज़ाम का, उसका पब्लिश डेट देखिए 1 सितंबर 2014 था। देख रहा है आपको, यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये 1/9/2014 का ही ये फॉर्म है, फर्स्ट कंबाइंड इंटरमीडिएट लेवल एग्ज़ाम, और अभी तक इस एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है कि कब होगा। चलिए, कोई बात नहीं है, हम आपको लेकर चलते हैं कि जो इस एडवर्टाइजमेंट का
लिस्ट में जो दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, इसके बारे में क्या आया है, ठीक है, नोटिस क्या आया है ये देख लेते हैं थोड़ा। तो देखिए जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करोगे तो एक पेज खुलेगा और इस पेज पे बताया गया है कि ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है और ये पब्लिशिंग डेट है इसका, देख पा रहे हैं आप, मैं जूम कर दे रहा हूँ यहाँ पे, चलिए मैं बताता हूँ आपको। और फर्स्ट कंबाइंड इंटर लेवल एग्ज़ाम जहाँ पे आप तक देख रहे हैं, और इसमें पोस्ट टोटल थे कितने, तो 13,120 पोस्ट थे। ये कहाँ गए पोस्ट, क्यों नहीं भरे गए इस पोस्ट को, ठीक है, और बिहार सरकार क्यों नाकामी झेल रही है इस चीज़ को लेकर, 13,000 कैंडिडेट्स का फ्यूचर अंधेरे में डाल रखा है इन लोगों ने, ठीक है। नेम ऑफ पोस्ट जो था, वेरियस पोस्ट आर इंक्लूडेड, इसमें बहुत सारे पोस्ट इंक्लूडेड थे, यहाँ पे सारे पोस्ट का नाम नहीं दिखला पा रहा हूँ, वे आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि कितने पोस्ट थे और कितने डिपार्टमेंट के पोस्ट थे, ठीक है। चलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसका जो था इंटरमीडिएट लेवल मांगा गया था, और रिटेन एग्ज़ाम था इसका, फिजिकल टेस्ट था, एग्ज़ाम स्किल टेस्ट था इसके साथ साथ। ये अभी तक तो फर्स्ट लेवल जो इसका एग्ज़ाम था वही नहीं लिया जा चुका है, और उसके बावजूद बताया जा रहा था कि इसका एग्ज़ाम जो होगा अब ऑनलाइन होगा, यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसका भी, ठीक है। अब मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि इसका जो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट बताया जा रहा है ये है दिसंबर, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। मैं जूम करता हूँ फिर से यहाँ पे आपको, ये देखिए एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट इन दिसंबर 2018। तो क्या ये 2018 दिसंबर में हो जाएगी एग्ज़ाम या नहीं होगी, ये जानेंगे हम दिसंबर में, और तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए। जिन कैंडिडेट का भी ये फॉर्म है उनके लिए शायद ये आखिरी चांस हो, हो सकता है कि एग्ज़ाम हो या फिर ना हो, तो बुरी बात है। तो अभी तक तो ये खबर बहुत ही बुरी है, जो एग्ज़ाम सितंबर 2018 में भी होने वाले थे उसको कैंसिल किया गया है और इसको ट्रांसफ़र किया गया है 2018 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही था, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखिए शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आते हैं, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर।